हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू द 25 फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई वन बच्चे यूपीएससी के लिए एंड मेन्स के लिए भी साइंस एंड टेक एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके ऊपर अगर कोई भी करंट अफेयर में चीज आ रही है तो यूपीएससी के पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं रहती है कि साइंस एंड टेक में और सवाल क्या डालें या तो वो निहायती स्टैटिक सवाल आएगा जो कि आपकी प्लस वन प्लस टू की एनसीईआरटी फिजिक्स वगैरह की एनसीईआरटी से वहां से उठाया हुआ होगा या फिर सिक्स टू टेंथ की एनसीईआरटी से उठाया हुआ होगा या फिर बेहद करंट अफेयर में चलती हुई चीज को वहां पर उठाएंगे और एज इट इज वहां पर पूछ लिया जाता है राइट पास्ट ईयर पेपर आप उठाएंगे आपको ये बात जो है मेरी थोड़ी सी और क्लियरली समझ में आएगी वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रत्यूश क्या प्लान कर रहे हैं हम इट इट विल बी अ मून बेस्ड टेलीस्कोप राइट हमने जब यूनिवर्स को समझना होता है बहुत सारे तरीके हैं यूनिवर्स को समझने के लिए यूनिवर्स के लॉज को समझने के लिए उनमें से एक तरीका है साइंटिफिक मेथड जिसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू राइट right? और ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं उनमें से एक है कि आप उसको डायरेक्टली उसकी जो रेडिएशंस हैं चाहे वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है चाहे वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है उसकी जो रेडिएशन है उसको जो है मैप करना शुरू कर दो दे, देखना शुरू कर दो आपको यूनिवर्स के बारे में और नई नई चीजें जो है पता लगनी शुरू हो जाएंगी राइट right? एंड ये जो अभी करंटली मंथ चल रहा है इस मंथ के अंदर आई वॉज नोटिसिंग की न्यूज के अंदर ना अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स की न्यूज बहुत आ रही है तो इन केस यू कम अक्रॉस एनी न्यूज राइट जो कि आपके टेलीस्कोप से रिलेटेड है राइट right, आप उसको जरूर जो है मार्क कीजिए उसको थोड़े से डेप्थ में जाइए टाइप ऑफ टेलीस्कोप ये वो सब कुछ देख लीजिए चांसेस हैं कि इस बार जो है किसी एक टेलीस्कोप के ऊपर कोई सवाल आ जाए जेम्स वेब लॉन्च हुआ था आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर तो उसका दो बार से ऐसे माहौल बन रहा है कि यूपीएससी में आएगा नहीं आया बट अब जो टेलीस्कोप आ रहे हैं नए नए ना ऑब्जर्वेटरीज जो आ रही हैं है बहुत, uh, सारी ऑब्जर्वेटरीज न्यूज में चल रही हैं बहुत सारे न्यूज में चल रहे हैं बहुत कुछ नया लॉन्च होने वाला है राइट right? मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं बच्चे इसमें इट इज प्रत्यूश प्रोबिंग रियाजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों क्योंकि इट इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स राइट इज बींग बिल्ड बाय

ट्यूनिंग होती है बच्चे आपके आपके जो आपने करना है। है है है। अगर आपके पास में टेलीस्कोप घर पे आपको आपको थोड़ा बहुत पता होगा आपको, कि उसमें calibration करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब फोन से फोटो वगैरह खींचते हैं अपनी तो कुछ समय पर आप वो आउट ऑफ फोकस चली जाती है फिर वो आपको जो ब्लर आउट है उसको खत्म रहता है उसको खत्म करता है और आपको इमेज क्ले, क्रिस्टल क्लियर जो है आपको इमेज मिलती है राइट right? तो अगर आप एक टेलीस्कोप की बात कर रहे हो तो उसमें आपको इस सब की एडजस्टमेंट फिजिकली करनी पड़ती है राइट 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 थ्रू एक्चुएटर्स एंड ऑल तो तो फाइन ट्यूनिंग की वो बात है यहाँ पे it, तो यहाँ पे द स्पेस एजेंसी विल लॉन्च इट ना देखो सीमिंगली अनइंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं ये राइट लेकिन अभी चूंकि मैं आप राइट नाउ पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है लेकिन अगर सिर्फ ये आ जाए कि प्रत्युष जैसे करके एक टेलीस्कोप है इसको कौन लॉन्च कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किसने डेवलप किया आर आर आई ने इसरो की कोलेब्रेशन है है ये जो है ना कि पहले अर्थ को ऑर्बिट करेगा फिर मून वर्ड जो है वो चला जाएगा इससे ना कुछ कुछ स्टेटमेंट बनाई जा सकती है आपको इस, ये सीमिंगली अनइम्पॉर्टेंट और सिंपल स्टेटमेंट से थोड़े से टफर सवाल बनाए जा सकते हैं राइट बाई द यूज ऑफ द लैंग्वेज आइए बच्चे

राइट right? अगर बीच में इंटरफेरेंस आती है तो लॉन्गर वेवलेंस निकल जाती है अगर वेवलेंस की होती है राइट right? तो वो बिखर जाती है वहां पे लाइट स्कैटर हो जाती है <coughs> दूसरे अर्थ बेस्ट कौन से होते हैं रेडियो टेलीस्कोप विच कलेक्ट रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंस राइट रेडियो शॉर्टेस्ट जिस रेडियो वेव्स का अगर आप बात करते हो कि रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम है उसमें जिस रेडियो वेव्स की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को

तो अर्थ के ऊपर आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी नहीं लगा पा रहे हो सही से क्योंकि पोल्यूशन एंड ऑल है और अर्थ के ऊपर आप आ, आपका जो है दूसरे वाला टेलीस्कोप जो है वो भी नहीं आप यहां पे लगा पा रहे रेडियो टेलिस्कोप भी आप नहीं लगा पा रहे हो है। राइट हेंस आपको इसको लॉन्च करना होता है दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट मून के क्या बेनिफिट्स हैं बच्चे वो भी देख लीजिए आप कि वहां पे क्लियर विजिबिलिटी है वहां पर आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी और इट इज द मोस्ट रेडियो क्वाइट लोकेशन इन दोलर सिस्टम राइट मून की आड़ में अगर अगर आप आप ले ले जाते हो हो, उसको, उसको आपको जेम्स को पता हो, तो जेम्स वेब वेब का का पता तो भी भी कुछ कुछ इस तरीके से से ही काम कर राइट? बाहर भेजने यही मकसद था। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, ये मैंने सब मेजर ऑब्जर्वेटरीज़ जो पिछले टाइम चल रही है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। यू टेक If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.